लो मेरा हाथ, प्लीज मार जाओ। तुम वहीं रुको, इसे पकड़ो। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। शर्माती क्यों है? मैं फिर से आपसे उधार लूंगा। सुन, थोड़ा थोड़ा करके तूने मेरे पैसे सारे तोड़ दिए। मुझे माफ कर, दोबारा मुझसे पैसे मत मांगना। जा यहां से। अरे क्या हुआ? 100, 200, 300, 400। ओए, तुमने मुझे एटीएम समझ रखा है? एटीएम मतलब एनी टाइम मशीन है पिताजी। ये किसी काम का नहीं है, इसका नाम अप्पू है और ये उधार की जिंदगी जी रहा है। एटीएम मतलब एनी टाइम मनी। पिताजी, आप मुझे क्यों हर रोज कॉलेज में ड्रॉप करते हो? यहाँ पर मुझे सब बच्चा समझ के देखते हैं। ए, पागल, तुझे अकेला जाने की इजाजत दी तो तूने कॉलेज ही छोड़ दिया, इसीलिए मैं तुझे कॉलेज छोड़ने के लिए खुद आया हूँ, समझा? क्या? इसका नाम कृष्णा मूर्ति है, नाम पसंद ना होने की वजह से अपना नाम कृष्णा रखा है, लेकिन सब इसे किशन कह के बुलाते हैं। अबे, कब तक इंटरेस्ट देगा? उधार कब चुकाएगा? फर्स्ट ईयर में लिया था, अब ये फाइनल ईयर आ गया। नेक्स्ट ईयर दे दूंगा ना। नेक्स्ट ईयर? इसका नाम हनी है, ये तो मनी के पीछे पागल है, इंटरेस्ट पर पैसे देता है और अपना इंटरेस्ट वसूल भी कर लेता है। इसका नाम नानी है, सबके घर का एक नाम होता है, वैसे इसका नाम भी है, वो है नाइन नानी। हर सेमेस्टर में 9 से ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आता, पढ़ाई में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए इसे नाइन नानी कहते हैं। इस लड़की का नाम है मित्रविंदा। जैसे नानी 9 मार्क्स से ज्यादा 1 मार्क भी नहीं लेगा, वैसे ही ये लड़की 99 मार्क्स से 1 मार्क कम भी नहीं लेगी। ये बहुत ब्रिलियंट है। ये दोनों की फ्रेंडशिप साधारण है, फ्रेंडशिप के लिए दोनों मर भी सकते हैं। हाय, आपका नाम? मित्रविंदा। आज वैलेंटाइन डे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जिन्हें कोई काम धंधा नहीं वही लव के चक्कर में पड़ते हैं। मेरी नज़र में तो लव का मतलब लॉस ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ है। पढ़ाई के वक्त लव क्यों होता है? आप सभी चैनल वाले लोग यूथ को खराब कर रहे हैं। लव कह के क्या कहूँ, वैलेंटाइंस डे बेस्ट लवर प्रोग्राम बनाते हैं। अगर विराट कोहली किसी से प्यार करे तो हजारों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। पहले हमारे यूथ को लक्ष्य हासिल करना चाहिए, बाद में प्यार का सोचे। हेलो जी, कहिए। उससे क्या पूछती हो? मेरे से पूछो, वो ना थोड़ी सी पागल है। एक वक्त पे सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, ऐसा कहती है। अब देखिए ना, इस उम्र में अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर प्यार कब करेंगे? ऐसे तो हम बुढ़े ही हो जाएंगे। इस उम्र में अगर प्यार नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? दिस इज द एज ऑफ एंजॉयमेंट। Enjoy. Exactly. आपका नाम? नानी। आप दोनों की सोच डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों अच्छे दोस्त कैसे हैं? हाँ, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इस वैलेंटाइन डे पे आप क्या कहना चाहेंगे? पुस्तकम विनिता वित्तम परम हस्तम गतम गता। ये बंगाली भाषा है क्या भाई? अरे ये बंगाली नहीं है, ये संस्कृत है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बता ना भाई। किताब बिल्कुल लड़की की तरह होती है, दूसरे के हाथ में गई तो वापस नहीं मिलेगी दोस्त। किताब तो वापस देंगे, लेकिन पैसा वापस न देंगे। मस्त ब्रो। अरे क्या ब्रो ब्रो करता रहता है, किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। चल अब चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि मेरा नाम परिवार है, लेकिन मेरा कोई परिवार नहीं। सॉरी स्टूडेंट्स, इसलिए जिसका परिवार है उसे ही मैं मार्क्स देकर एनकरेज करूंगा। ओके, गेट रेडी। भवानी। यस सर। तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? सर, मैं फैमिली के साथ नहीं, हॉस्टल में रहती हूँ। 10 मार्क्स माइनस। सर, 20 मार्क्स माइनस करूंगा। अपू। सर। आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। बेचारा, तुम बैचलर हो? सर नहीं, सर मेरी फैमिली भी है, है? माँ बाप हो गए, भाई बहन, नेचुरल, बड़ा भाई छोटा भाई, फुल फैमिली कंप्लीटेड। 20 मार्क्स मिल गए। ये सब कहने के बाद भी 20 मार्क्स आए? सर मेरी और भी फैमिली है। अच्छा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर। बहुत सुपर। सर, माँ, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, फूफा, फूफी, बाप का बाप, दादा का दादा। अरे अरे अरे, बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली है। मैं तुम्हें 45 मार्क्स देता हूँ। सर, और बड़ी फैमिली सर हमारी। और भी है क्या? मेरे घर के बगल वाली माँ, सामने बाप, उसके बगल में बेबी, ऊपर के घर में चाची, नीचे के घर में बहन, वहाँ दादी की दादी। ये संबंध नहीं है, गैर संबंध है। 45 मार्क्स कटिंग। इस सेमेस्टर में तुम जस्ट पास, सिट डाउन। ये मैंने क्या बोल दिया भाई, मेरे सारे मार्क्स कट गए। अप्पू। सर, तुम बाहर जाओ। क्यों सर? तुम्हारा परिवार बड़ा है ना, तुम बाहर जाओ। थैंक यू सर। गेट आउट।
एक मस्त मस्त तू लग रही है ना ना। जीरो मार्क्स। तुम बैठ जाओ। मस्त मस्त। माँ बोला था ना ये वाली चटनी मत बनाना, फिर भी बना दी। तुम्हें पढ़ने के लिए बार बार बोला जाता है, तुम फिर पढ़ते हो क्या? पढ़ाई का और चटनी का क्या संबंध है? अमेरिका में ट्रम्प का जितना अच्छा लाइफ है ना बेटा, वैसा तुम्हारा है। तुम अपनी लाइफ को खराब कर दिया बेटा, अभी भी टाइम है बेटा, तुम समझ जाओ। हेलो। अरे अरे रे, खाते वक्त भी क्यों डांटते रहते हो? उसे शांति से खा लेने दीजिए। तुम खा लो बेटा। हाथ में बाइक लेकर घूमने के लिए नहीं, वो हाथ में किताब लेकर पढ़े तो तुम अच्छे नंबर से पास हो जाते। लगता सुबह सुबह इसकी क्लास लग गई। हाय अंकल। हाय। सुनो, तुम 10 के पढ़े हो, ये 7वीं की, समझे? सैम, तुम करो इंजीनियरिंग। तुम क्यों आई? क्यों फिर से डांट पड़ी? ये तो आम बात है, ये डांट खाते रहेगा और तुम ये खा लो। कोई बात नहीं आंटी, मैं आने से पहले खा कर आई हूँ। क्या डांट? नहीं नाश्ता। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे कोई डांटता नहीं है। वैसे तुम्हें डांट के कोई फायदा भी नहीं, तुम्हें असर ही नहीं होगा। बेटा तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं माँ, हो गया। रहने दो आंटी, इसे तो बस डांट ही काफी है। तूने मुझे डांट खिलाई और अब नाटक कर रही है? रुक, तुझे बताता हूँ, रुक। प्रभु नारायण कृष्णा, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ और आप मेरी वॉइस कैच नहीं कर पा रहे। मुझे मेरा परिवार दे दो। आप मुझे दर्शन दोगे या मैं आपको दर्शन दूँ? अभी आ रहा हूँ, रुको। ए भक्त, जरा रुक जाओ, मैं आ गया। तुम अपने आप को मार के मुझे जेल में डलवाना चाहते हो भक्त? कौन हो तुम? किसी ड्रामा कंपनी की ड्रेस पहन के तुम कृष्ण बन के आ गए हो? मैं ड्रामा वाला कृष्ण नहीं हूँ, मैं बामा कृष्ण हूँ, परमात्मा हूँ। मजाक है, ये मजाक है, फेसबुक ट्विटर पे डालेंगे तो लोग हंसेंगे। भक्त तुम्हारी क्या इच्छा है मुझे बताओ। ऐसा क्या? तुम अपने आप को कृष्ण बोलते हो? हाँ, कृष्ण कौन होता है मैं अभी दिखाता हूँ। असली कृष्ण क्या डायलॉग बोलते हैं ये देखो, देखो तो सही, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। द ग्रेट NTR। नमस्ते भाई। कृष्ण हो तो वो कौन है? विश्व विख्यात महान कलाकार डॉक्टर NT रामाराव, यही है कृष्ण। झूठ है भक्त, वो वेश है। तुम तो होके बाज हो, फ्रॉड हो, डोंगी कृष्ण हो। अपने सिर पे मुकुट रख के हाथ में फ्लूट ले लोगे तो क्या तुम कृष्ण बन जाओगे? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ तुम कौन हो, पुलिस ही डिसाइड करेगी। हेलो फायर स्टेशन, सॉरी 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 पुलिस स्टेशन। कृष्ण नमस्ते। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। कृष्ण भक्त, तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरा नाम परिवार है, लेकिन मेरा कोई परिवार नहीं है। अनुज परिवार, आदर्श परिवार, सही परिवार, बचपन से ही मैं जब फिल्मों में देखता था कि परिवार क्या होता है, तभी तय कर लिया था कि मुझे परिवार चाहिए। मुझे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सब मुझे चाहिए। मुझे मेरा परिवार चाहिए कृष्ण, मुझे मेरा परिवार चाहिए। जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी होती है, ये सृष्टि का धर्म है। जो मर गए हैं उनका जन्म दोबारा जरूर होगा, ये बात आप ही ने कही है। अरे रे रे रे, मुझे कंफ्यूज मत करो भक्त, अगर मरे हुए लोग धरती पर रहने लगे तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। ये सब मैं नहीं जानता हूँ, पिता का प्यार, दादा का प्यार, दादी का प्यार, ये सब मुझे चाहिए बस। वो अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ बस। नहीं भक्त, वो लोग अगर तुम्हारे घर पर आ गए तो तुम्हें ही तकलीफ होगी, ये चलेगा तुम्हें? तकलीफ तकलीफ छोड़िए, मुझे वो बंधन चाहिए। आप देंगे या नहीं ये मुझे बताइए, नहीं तो मैं ये चाकू अपने पेट में मार कर मर जाऊंगा। रे, 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 तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हें सहन करना है तो सहन करो, ये लो तथास्तु। धन्य हो प्रभु। मुकुंदा मुरारी नारायण गोविंदा। आप गायब हो गए प्रभु। अरे जगन,
तुम क्या कर रहे हो? अरे ला रहा हूँ भाई। हाँ तुम्हारा बियर। मेरे बियर के बारे में पूछोगे? भारत देश के उधार के बारे में कोई भी नहीं पूछेंगे, लेकिन मेरी चार बियर के उधार के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है बस करो। कैसे? आउट ऑफ सर्विस। पुराने उधार के पैसे दो, उसके बाद ही नया उधार मैं दूंगा। माय नेम इज अप्पू, दिस इज टप्पू। ठीक है दूसरे टीम में जाता हूं। जाओ। कैसे? एटीएम में 2000 रुपए नहीं है क्या? ओनली 500 रुपए मिला। तुम्हारी शक्ल के लिए सही है ये। थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन जगन। कैश एंड कैरी गिव एंड 500। सुनना तुझे भी चाहिए ऑर्डर करूं? लगता है तुम बहुत खुश हो। कल सेमेस्टर की रिजल्ट आएगी। ऐसा क्या? तू चिंता मत कर, इसने बियर ऑर्डर किया है, सही कहा ना? ए, खुद तो सिंगल डिजिट वाले हो, अब क्या इन दोनों को भी बिगाड़ोगे क्या? लाइफ का एजुकेशन से कोई संबंध है क्या? तू इसे समझा कृष्णा। मुस्तफा मुस्तफा बियर लेके आ गया भैया। सबको नमस्ते। भैया ओपन करू? क्यों बे, बिना ओपन करे बियर पियेंगे क्या? चलो ओपन करो। ओ चिल कर। तुम रुको, ये बताओ तुम कान पे ये पेन रख के क्यों घूमते हो? हाँ जब मैं आपकी उम्र का था तभी पेरेंट्स को बेवकूफ बना के घुमा करता था, अब कान में पेन लगा के वेटर का काम करता हूँ। कितनी पढ़ाई की है तुमने? 10th। तो परफेक्ट जॉब है तुम्हारी। चलो किलर पैसला। देखो ये पढ़ाई और जॉब का कोई संबंध नहीं है, मैं बताता हूँ। हमारे घर के बगल वाला सत्या MSc विद बायोकेमिस्ट्री और जॉब क्या करता है? बस कंडक्टर। कृष्णा का कजन MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जॉब है बिल कलेक्टर की। पढ़ाई और काम का कोई संबंध है क्या? तो तुम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? मेरे डैडी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो? बिजनेस। अबे पागल इतना जोर जोर से रो क्यों रहा है? अपने सुमारा मस्त मर गया। तुझे उससे लव था? लव अब कुछ नहीं, हमारी कॉलेज में सिर्फ वही उधार देता है। साइलेंस। जाओ अपने बेंच पे। गुड मॉर्निंग सर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू अनाउंस योर सेमेस्टर मार्क्स। मित्रविंदा 90%। गुड। थैंक यू सर। हनी यू गॉट 75। थैंक यू सर। मिस्टर नानी एज यूजुअल, सुनने में तुम्हें शर्म आ रही है या नहीं पता नहीं, लेकिन सुनाने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम्हारे मार्क्स हैं 9। इंडिया के बड़े बड़े लोगों का लकी नंबर 9 है सर। सचिन तेंदुलकर, उनका नंबर है 9। द ग्रेट NTR, उनका लकी नंबर भी 9 है सर, इसलिए मेरा लकी नंबर भी 9 है। नानी तुम लाइफ को लेकर बिल्कुल सीरियस क्यों नहीं हो यार? अरे मैं सीरियस तो हूँ, तुम्हारे में और मेरे में डिफरेंस क्या है? 9 मेरे आए, 9 तुम्हारे आए। तुम्हारे 9 के पीछे बस 0 लगा हुआ है और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूं? नहीं नहीं ऐसा मत करना, हमें मार्क्स मिले हैं इस बात को पिताजी को मत बताना। तुम्हें बहुत डर लगता है क्या? डर? और मुझे? नेवर। तुम्हारे पापा का फोन, डर तो नहीं लग रहा? ए, प्लीज प्लीज, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तो उनसे मार्क्स के बारे में बिल्कुल बात मत करना प्लीज। तुम्हारी वजह से मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ता है। फ्रेंड हो यार, तुम मेरी फ्रेंड हो, ये काम तो करना ही पड़ेगा। चलो कौन? डैडी। ओ माय सन। डैडी अब ये कौन? ये तुम्हारी मम्मी है बेटा। मम्मी आजा आजा मेरा बेटा, मेरा बेटा था जब छोटा अब बहुत बड़ा हो गया। फादर ये क्या बोल रही हैं? जब तुम छोटे थे तुम्हारी मम्मी ऐसी भाषा बोला करती थी। मैंने बचपन में देखा था इसलिए मैं अचानक से याद नहीं कर पाया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसलिए हम जिंदा वापस आ गए। आ जाओ फादर, इधर बैठिए। डैडी इधर बैठिए। इधर बैठो। वाह मेरे, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं तेरे लिए अचार लेके आ गई। डब्बा है माँ, लेकिन उसमें जरा सा भी अचार नहीं है। अरे रे मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितना अच्छा बेटा है मेरा। परमात्मा कृष्णा मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मम्मी माँ आज नाश्ते में क्या बनाया? सुनो बेटा,
मैं तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म 9 इडली बनाई हूँ तेरी पसंद जैसा। इडली की माँ, गौरी ने तुम्हें फोन किया था क्या? क्या बताऊँ, 9 दिन हो गए तुम्हारी चाची से बात किए हुए। कुछ तो गड़बड़ है। हर महीने पावर बिल 600 रुपए की आती है, लेकिन इस बार बिजली बिल तो 900 रुपए की आई। नानी, 9 दिन के बाद हम तिरुपति जाएंगे, हम सब पूरा फैमिली जाएंगे, तुम 9 टिकट बुक करो। 9 टिकट किस लिए पिताजी? हमारी फैमिली, फ्रेंड की फैमिली और मित्र विंदा सब मिलाकर के 9। समझ में आया कि नहीं? ये बार बार 9-9 क्यों बोल रहे हैं? नानी, 9 बार मैंने फोन किया, तुमने देखा नहीं क्या? देखो अभी। तुमने सिर्फ एक बार फोन किया, फिर 9 क्यों बोल रही हो? तुम्हारे मार्क्स। डैडी को बता दिया क्या? हाँ। क्यों बताया? मेरे मार्क्स पूछकर तुम्हारे पूछे थे। चुड़ैल कहीं की। हाँ वो चुड़ैल है, क्योंकि वो चुड़ैल इसलिए वो 100 में 90 मार्क्स लाई है, और तुम 9 ग्रह में 1 हो इसलिए 9 मार्क्स लाए हो, समझे? तुमसे बहुत अच्छी है। क्या करूं पिताजी, मैंने बहुत मुश्किल से लिखा था। मुश्किल से लिखने में मार्क्स ना मिलेगा बेटा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब मार्क्स बढ़ेगा, समझे? तुम इस लड़की से कुछ सीखो। माँ, नेक्स्ट टाइम सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाएगा तुम्हारा बच्चा। आहा, तुम सभी विषय में पास हो जाओगे, तिरुपति जाऊंगा और अपना मुंडन करवा लूंगा। मैं पास होऊंगा तो मुंडन आप क्यों करवाएंगे? मुंडन पिता के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मुंडन नहीं माँ, मैं नहीं करवाऊंगा। तुम अपनी लाइफ स्टाइल ना बदलेगा तो मैं तुम्हारी हर स्टाइल बदल दूंगा, समझे? बहुत हंसी आ रही है तुझे? फ्यूचर टकले, तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लेती हूँ। सेल्फी तो ओके है, बस टकली तू होने वाली है। हाय। कौन हो तुम? क्या बक रहे हो? साइडो। हाँ? आंटी। आंटी। हाँ? कैसा है नानी तू? चकली बनाए 4 दिन हो गए और तू अभी आया है, इतने दिन थे कहाँ तुम? आपके पास आऊंगा, दोस्त दुश्मन का चेहरा देखना पड़ेगा। एक बात बताइए, आप इसे कैसे संभालती हैं आंटी? हर वक्त बस रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करती, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। ए बेटा, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, आप ही इंसाफ से इनके मार्क्स पूछिए। मेरे सेमेस्टर के मार्क्स घर पे जाके बता दिए, मां और पिताजी ने मेरी क्लास ले ली। दिमाग नहीं है क्या? तुमने क्यों इसके माँ बाप को बताया? माँ, तुम चुप रहोगी? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो ना, मैं चुप हो जाती हूँ तो? अंकल ने पूछा था तो क्या कहती? उन्हें कैसे पता चलता? अगर मैं नहीं बताती तो उन्हें पता नहीं लगता? नहीं पता लगता। लग जाता। नहीं पता लगता। लग जाता। अंकल ने मुझसे पूछा था तो मैं क्या बोलती? अगर तुम नहीं बताती तो नहीं पता चलता, कभी नहीं पता चलता। तुम लोग रोज कितनी बार लड़ोगे? मेरी नजर में आज तक मैंने तुम जैसे लड़ने वालों को कभी नहीं देखा। तुम सब आज लड़ोगे, कल दोस्ती हो जाएगी, ऐसे ही लड़ाई और दोस्ती चलती रहेगी। सुनो नानी, तुमसे एक सवाल करूं? जी पूछिए आंटी। अगर तुम दोनों के झगड़ा को खत्म करने के लिए अगर तुम दोनों की शादी कर दो तो? माँ, शादी इससे? इससे? हाँ। अब कैसी बात कर रही हैं आंटी? सच में माँ, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो? आंटी, ये मेरी जान है और मैं इसकी जान हूँ। हाँ? लेकिन हमारे बीच सिर्फ फ्रेंडशिप है और कुछ नहीं। क्यों आंटी, हमारे बीच सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं रह सकती क्या? हाँ? आंटी, प्यार करने वालों के प्यार का एंड शादी होती है, लेकिन फ्रेंडशिप का कोई एंड नहीं होता। ओनली डेथ कैन ब्रिंग ए फुल स्टॉप बिटवीन आवर फ्रेंडशिप। इसलिए आप हमें लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ माँ, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। आई एम सॉरी नानी, मैं तो इतने दिनों से समझती रही एक लड़का और एक लड़की क्लोज रहे तो कभी न कभी तो एक दूसरे को प्यार करेंगे ही। आई एम सॉरी, मैं समझती रही तुम दोनों टू फ्रेंड्स हो, लेकिन ट्रू फ्रेंड्स हो, ये सच है। तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहना। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू आंटी। ए ब्रिलिस, तुम सिग्नल पर ध्यान नहीं देती हो? हम लोग यहाँ 3 लोग बैठे हैं। तुम चुप रहोगी अब? पुलिस यार। ए, देखो सिग्नल चालू है। ए, चलो ना। क्या है इधर? आगे देखो।
स्टॉप 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 स्टॉप। पलटना, अरे पलट। हाय, थैंक यू। क्या हुआ? एक्चुअली वो है ना, स्कूटी पे जाते वक्त वो डम 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 बाइक स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, वो अपना बाइक स्टार्ट कर रहा था, समझे? वो बात क्या हुआ था बताना। पीछे मुड़ के देखो। बाय। एक बार पलट, टर्न, टर्न। बाप रे! सही कहा था ना? अरे पागल, वो शास्त्री बेचारा मर गया, नहीं तो मैं तुम दोनों की शादी करवा देता। वो इससे शादी करेगा? सुनो, जैसे करण जौहर की फिल्म में हीरोइन इंट्रोडक्शन देती है, उसी तरह हमारे हनी वैसे हमारे नानी की फिल्म में ऐसा इंट्रोडक्शन देगी। मनाना है, हमें लव सेलिब्रेशन करना चाहिए। अरे अप्पू, तेरे पास उधार लेने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब तू इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते रहता है, मुद्दल कब देगा तू? अच्छा, 500 प्लस 500 कितना हुआ बताओ? 500 प्लस 500 कितना हुआ बोलो? 2000। कितना हुआ? ये सही नहीं यार, ओनली इंटरेस्ट। जिंदगी में कभी उधार ना लूंगा। तुझ पे भरोसा कैसे करूं? इसकी कसम। ओ नहीं, अभी देता हूं, रुको। अरे वहां कहां जा रहे हैं पागल? कहां जा रहे हैं, भूल गया। तो चीयर्स। वो लड़की अप्सरा की तरह है यार। लवा One side love. वो लड़की के देखने के बाद क्या होगा? Two side love. मना की तो? Two side love. जो over actor होता है ना, वो हमेशा over acting ही करता है। वो तो traffic में गुम हो गई। कहाँ मिलेगी तुझे? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, beer beer पे लिखा है पीने वाले का नाम, heart heart पे लिखा है प्यार करने वाले का नाम। बाबा बाबा, तू जब भी तुम नशे में नहीं होते तब तुम बहुत अच्छे होते हो, और जब बियर पी लेते हो तो वाह 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 शायर बन जाते हो। ओहोई, इसको तो अब चढ़ गई यार। ए भाई लोग, चलो अभी। आंटी क्या है, अंकल सीरियस क्यों है? पहले ये बताओ उसका क्या हाल है? बेचारा प्यारा लड़का, धीरे बोलो, सुन लेंगे। आंटी नारियल की चटनी बनाई है क्या? ए टेंशन मत लो, मैं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ। तुम कहाँ से आए हो ये मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम कहाँ से आए हो मैं ये जानता हूँ। कितने बियर पिए हो? बियर? मैं तो मंदिर से आया हूँ, शिव मंदिर। तुम पी करके आए हो मैं जानता हूँ, तुम झूठ मत बोलो। जो मंदिर से आता है वो ऐसा नहीं हिलेगा, जो पी के आता है वही ऐसा हिलता है। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? इसका फ्यूचर। लेकिन तुम उसे बचाने की बहुत अच्छी कोशिश की, देखो तुम्हारी उंगली में रही विभूति निकालना भूल गई। नानी तुम बियर पी के आए इससे मैं चिंता नहीं करूंगा, लेकिन तुम अच्छी तरह पढ़कर और पास होकर आए, पार्टी देकर पी कर आए तो मैं बहुत खुश हो जाता था। मित्रविंदा, तुम खुद इसे बिगाड़ देती हो और इसकी गलती छिपाती हो। गलती छिपाने से अच्छा है इसका कैरियर बना।
मैं तुम्हें कवर कर रही थी और अंकल ने मुझे पकड़ लिया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, नोबडी कैन चेंज यू, गुड नाइट। और आई एम फुल टाइट। पिताजी के डांटने से मेरा मूड ऑफ हो गया यार। तो तुम 90 मार्क्स लाओगे तो डांट नहीं प्यार करेंगे। पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता यार। तुम्हें सब कुछ अब नया नया सा दिख रहा है ना? ये तुम इनडायरेक्टली क्या बात कर रही हो? मैं ये डायरेक्टली बात कर रही हूँ। हनी ने बताया क्या? कौन है वो लड़की? वो ट्रैफिक सिग्नल पे मिली थी। वो टॉपिक छोड़ दो। तुम उस लड़की को छोड़ दो, मैं टॉपिक को छोड़ दूंगी। छोड़ने के लिए मैं कौन सा उस लड़की को पकड़ के बैठा हूँ? मैं तो सिर्फ एक बार मिला हूँ। ये वही लड़की है। ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? तुम रॉन्ग साइड से जा रहे हो। सामने गाड़ी में टक्कर मारते तो मर जाएंगे हम। अरे देखो पुलिस आ रही है। चुप कर। अरे रुको रुको। Stop. Yes, ये लड़की तो हमारे कॉलेज की है। न्यू एडमिशन लगता है। हर हार्ट पे लिखा है प्यार करने वाले का नाम। तुम क्या पागल हो गए हो? क्यों? तुमने क्या किया जानते हो? मैंने क्या किया? प्यार किया? तुम्हारा प्यार रॉन्ग साइड से इतनी स्पीड में आए, गाड़ी टक्कर मारती तो मर जाते। ऐसी सुंदर लड़की के लिए मैं चोट भी खा सकता हूँ यार। तुम्हें मरना है मरो, मुझे साथ लेकर नहीं। ये तुम्हारी टेंशन है। ए, चल भूल जाना यार, सॉरी। चलो ठीक है, अब क्लास में चलो। तू जा अभी क्लास में, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है। जा। कौन? डैडी कौन आया देखो? हाँ बेटा आ रहा हूँ। मेरे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। अरे दादा दादी आ गए। गधा कहीं का। हम इतने बुड्ढे हो गए और तू हमें स्टेशन तक लेने नहीं आया। लोग सच कहते हैं दोनों बाप बेटे किसी काम के ही नहीं है। ए, सुनो रेड्डी के बच्चे ने मुझ पे कुछ काला जादू किया है, तो उसके जादू को मिटाने के लिए हमें कुछ रस्में करने होगी। जब तक वो रस्में नहीं होगी तब तक हम घर में नहीं आएंगे, समझ गए? अरे दादा आप पहले अंदर आइए, बाद में रस्सी के बारे में बात करेंगे। अंदर आइए ना। ये तो बहुत इज्जत दे रहा है। दादा मुझे आशीर्वाद। गधे कहीं के, अंदर चल, चल अंदर, भागे यहाँ से। दादा दादी चलिए चलिए। अरे आ गए दादा दादी, आ गए दादा, आ गए दादी, आ गए दादा। बैठ जाओ दादी, बैठ जाओ। सुनिए ये बिल्कुल आपकी तरह पैदा हुआ है, अब बिल्कुल आपकी तरह ही दिखता है। दादा भी काला है और पोता भी काला दिख रहा है। तुम तो बहुत बड़ी हीरोइन हो ना। दादा आपकी बात और दादी की बात में बहुत फर्क लग रहा है। मैं बताती हूँ पोता, इसका घर था रायलसिला और मेरा सिलसिला। तुम्हारे दादा काम के लिए सिलसिला आए, मैं जवान थी, ये मुझे देखने के लिए रोज आया करते थे। मेरे पापा को बेवकूफ बनाकर ये इंसान ने मुझसे शादी कर ली। जब देखो तब आँख मारती थी, आँख मारती थी। जितनी लाइन मैं नहीं मारता था उतनी लाइन ये मारती थी। सच बोल रहा हूँ, झूठ बोले। पहले तो सब करके बैठ गए, बच्चे के सामने झूठ बोल रही है। झूठी कहेगी इस उम्र में इसके सामने ऐसी बातें करनी जरूरी है क्या? अरे बेटा तुम ही बताओ ये सब बातें किसने चालू की? ऊपर भगवान के पास देखी तभी भी ऐसी झूठ बोलेगी। झूठी कहेगी चुप रहो, वक्त पे जाएंगे। अरे बेटा तुम तो हमें लेने नहीं है इसलिए हम स्टेशन से चल के आए। हमारा पैर बहुत दुख रहा है, प्लीज मेरा पैर दबाओ, सच में बहुत दुख रहा है। दबाता हूँ दादाजी। ग्रीन सिग्नल, चलो। जी मैं हूँ। उस दिन आप मेरी बाइक पे बैठी थी, आज मैं आपकी स्कूटी पे बैठ गया। हाय आई एम नानी। हाय आई एम अवंतिका। नाइस मीटिंग यू।
उस दिन हम ट्रिपल राइडिंग में थे, इसलिए मैं आपके बाइक पे बैठ गई थी। तो क्या आप भी इसी कॉलेज से हैं? हाँ, इसी कॉलेज पे। ओके, तो चले। या ये सब मेरे दोस्त हैं, हनी। हाय। हाय। किट्टू। हाय। हाय। हेलो। अप्पू। हाय। मित्रविंदा। हेलो। अवंतिका। लेट्स गो टू द क्लास। या क्लास में जाना रूटीन है, कैंटीन में जाना वैरायटी। इसके कॉलेज ज्वाइन करने की खुशी में टा 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 ट्री। पार्टी आप दोगे ना? चल चलते हैं। आज फर्स्ट टच करके ही रहूंगा। ये रख लो। थैंक यू। क्या चाहिए? कुछ नहीं, अवंतिका अगर किताब मांगेगी तो कहना नहीं है, बोल देना वापस नहीं आई, स्टूडेंट्स ने अभी तक वापस नहीं की। ओके ओके। क्या चाहिए आपको? सर, आई नीड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दूसरा लेके गया है? सर, फ्लूइड मैकेनिक्स? नहीं, वो भी कोई दूसरा लेके गया है। हाँ, कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बने हैं। सेमेस्टर एग्जाम नजदीक आ रहा है। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाय। हे नानी। मेरी जरूरत की किताबें लाइब्रेरी में थी नहीं, थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। मेरे पास है ना, मैं ला के देता हूँ तुम्हें, जितने दिन जाओ रख लेना। ओह रियली? थैंक यू सो मच। जस्ट मिस्ड। हाय अवंतिका। बुक्स? हाय। कल ही मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 बुक्स दिया। ऐसा? एनीवे थैंक्स नानी। एग्जाम पास में आ रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट करके। आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी हम चैप्टर पे ध्यान देंगे, थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू अ वाइल्ड वैरायटी। परिवार, ओके? मैं तुझे पटाके क्लासरूम में आ जाऊंगा। प्रैक्टिस करिए। नो ब्रेक, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। ओके सर। सर सर सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्या है नानी? सब तो मैं 9 नानी कहते हैं, 90 नानी जिंदगी में कभी कलवा नहीं सर, सकोगे। असल में बात यह है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। क्या? खाना खाने के बाद सबसे बात करते करते रात के 12 बज जाते हैं सर, फिर मैं पढ़ाई कब करूंगा सर, आप ही बताइए। मैं हूँ बी सेक्शन में और सारे के सारे अच्छे टीचर हैं ए सेक्शन में, मैं आपके सेक्शन में आ जाता हूँ ना सर। बड़ा परिवार बोलने से मैं बहुत खुश हो गया सर। सर प्लीज मुझे ए सेक्शन में ले लीजिए ना सर। इसलिए? मतलब आपका सेक्शन सर, आपका सेक्शन। यू मीन माय सेक्शन? बी सेक्शन से ए सेक्शन में, बस इतना ना। हेलो, नंबर 9 नानी को बी सेक्शन से ए सेक्शन में डाल दीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू। और ए सेक्शन में जो अवंतिका है उसे बी सेक्शन में डाल दीजिए। सर, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। ए, मेरे साथ पंगा मत लेना, मैं यही सब करके ऊपर आया हूँ। तुम जो भी करते रहते हो मैं वो वॉच करता रहता हूँ, तुम इस खिड़की से उस खिड़की पे जाते रहते हो। ए, मेरे से टकराना नहीं। ओके, यू नो व्हाट इज लव? लव मींस लॉस ऑफ वैल्यूएबल एजुकेशन, वैल्यूएबल एजुकेशन, दैट इज लव। जाओ क्लासरूम में, जाओ 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 जाओ। इससे तो काम नहीं बना, मैं परिवार हूँ, समझा ना। हेलो। हाँ बोल। अर्जेंट क्या? वीकेंड प्लान कर रहा है? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ हे, फोन मैंने किया है, तुम किससे बात कर रहे थे? तुम्हारा लव कहाँ तक पहुँचा? इसके अलावा और कोई बात नहीं है तेरे पास? नहीं करूंगी, मैं बस यही बात करूंगी। मुझे वो लड़की पसंद है, इसे ये बात बता दो। उसे भी तुम पसंद आने चाहिए।
कॉन्सेंट्रेशन ना हो तो गिरने का चांस हो सकता है। कहाँ? कुआं में? ए, तुम चुप रहो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने दे, परेशान मत कर। अरे आजकल की लड़कियों का टेस्ट कुछ अलग है, ऐसी चीप चीप ट्रिक्स में वो नहीं फंसेगी, फुल क्लैरिटी चाहिए। ऐसा नहीं है यार, पटाने का टैलेंट होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे बारे में मुझे मत बताना, मैं तुम्हें बचपन से देखती आ रही हूँ, तो मुझे तुम कुछ मत बताना, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो यार। अगर तुम मेरी बचपन की दोस्त हो तो तुम्हें मेरे लव का सपोर्ट करना चाहिए। सॉरी, लव में पढ़ते ही लाइफ स्पॉइल हो जाती है। अच्छा ठीक है, आज से मैं स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब तुम अब प्यार करना छोड़ दोगे? सच बोल रहा हूँ, प्यार करना छोड़ दूंगा। सच में? दिल पर हाथ रखकर कहो। उसके लिए सीने में दिल भी तो होना चाहिए, वो तो पहले ही किसी और के पास। छी, तुम इस जन्म में नहीं बदलोगे। ओ गॉड, सेमेस्टर एग्जाम नजदीक आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स ये दो सब्जेक्ट में मैं बहुत वीक हूँ, और सारे सब्जेक्ट में कॉलेज लेक्चर वीक, तो क्या इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया था? यहाँ की परिस्थिति ही खराब है। ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, इसमें मैं क्लास टॉपर हूँ। तुम सिखाओगे? हाँ। ओह थैंक यू सो मच। क्या तुम कल से मेरे घर आ सकते हो क्या, मुझे सिखाने के लिए, या मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ? ये पागल फंस गई, ऐसे क्यों हंस रही हो? It's not a joke, it is serious. और क्या तुम कल से कंबाइंड स्टडी करने वाले हो? अरे कल से कंबाइंड स्टडी शुरू करो। कल से छोड़ो, परसों से शुरू करते हैं। कंबाइंड स्टडी करेगा ये, कंबाइंड स्टडी। अगर वो लड़की पढ़ाई करके 30 मार्क्स लाती होगी तो इस गधे के साथ पढ़ के और इसकी कंबाइंड स्टडी में फंस के और घुमा फिरा कर 3 मार्क्स लाएगी और इस गधे को तो 0 ही मार्क्स आने वाले। उसके बारे में बाद में सोचना, पहले इसे तो सोचने दो। इसमें सोचने की क्या बात है, एक दो दिन में इस आदमी का राज पता चल जाएगा। ये उसे पटाने के लिए नाटक किया था, आगे देखना तुम क्या होगा, समझे? अभी हमारा दोस्त फिल्म का हीरो पवन कल्याण उसकी तरह फंस गया। हाँ ओ कृष्णा, उस फिल्म में पवन कल्याण का प्यार सफल हुआ था। कल से वो कंबाइंड स्टडीज के लिए मुझे अपने घर बुलाएगी। सच में? ये काफी होगा उसके नजदीक आने के लिए। उसके नजदीक जाओगे या नहीं, पर तुम स्टडी के नजदीक जरूर हो जाओगे, और यही मैं चाहती हूँ। थैंक यू। कितना पॉजिटिव थिंकिंग नेचर है इसका। पार्टी देगा तो हम जरूर सोचेंगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? बता। नेगेटिव थिंकिंग वाले सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते, और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं वो बहुत आराम से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, समझे? कंबाइंड स्टडीज के लिए मुझे प्रिपेयर होना है। बाय बाय। बाय बाय बाय। ये कंबाइंड स्टडी करेगा, देखते हैं। दिस मोमेंट विल चेंज हिज लाइफ। उसे ऐसा क्यों देख रही हो? वो अभी तक खाना नहीं खाया जी। वो हमें बहुत दिनों से दुख दिया, लेकिन आज ही हमें खुशी दे रहा है। कावेरी, जो भी हो, जो बिगड़े सुधर जाए। उसके आनंद कुछ और है, उसे तुम पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, चलो। थर्मोडायनेमिक्स मैंने अच्छी तरह समझाया, इस सेमेस्टर में हम सब अच्छे मार्क्स लाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड चैप्टर में थोड़ा डाउट है सर। सर 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 सर, बस इसके साथ थोड़ी देर और रहता तो चला जाता। सर संभालिए अपने आप को, जल्दी करो। आराम से सर, आराम से सर, आराम से सर। अरे सर को क्या हो गया? अरे धीरे 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 बिठाओ मुझे। स्टूडेंट्स, मैं जिंदा वापस आया तो मिलेंगे। ठीक है सर। सर को क्या हुआ, एम्बुलेंस में क्यों लेकर गए? क्या हुआ ये अपने दोस्त से पूछिए। उसी की वजह से। ये फालतू का रोज ये कॉलेज में चलाता है। नानी ने उस लेक्चरर से सवाल पूछा, लेकिन उसको तो खुद आता ही नहीं है। जैसे उसने डाउट पूछा उसे चक्कर आ गया। माइल्ड स्ट्रोक है और कुछ नहीं। ये डाउट पूछने से अगर ये अटैक हुआ है, अगर पास हो गए तो क्या होगा? और फिर हमें हॉलीडे मिलेगा। ये जा रहे तो जाने दो, कोई बात नहीं, समझे? टी या कॉफी? कॉफी डैडी। कॉफी डैडी? मॉम
इट्स ओके। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें? फर्स्ट चैप्टर किस लिए? पांच चैप्टर से शुरू करना है। मैंने तो बस फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था। व्हाट? हाँ, बेसिक स्ट्रांग हो तो फाउंडेशन भी स्ट्रांग बनेगी। हाँ, शुरू करें? या ओके। ये भगवान, अगर ये मुझसे प्यार करने लगे तो मैं पहाड़ चढ़ के तुम्हारे दर्शन करने आऊंगा। तुझे भी अभी बोलना था। बेबी कॉफी रेडी। डैडी, मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना, ये है नानी, मेरे क्लास। हेलो अंकल। हेलो यंग मैन। हाय। क्लास टॉपर। मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। मेरी बेटी कुछ सब्जेक्ट्स में वीक है। तुम वो सब्जेक्ट इसको सिखा दो, बस यही मेरी टेंशन है। कॉफी। थैंक यू। हैव इट। ये लो बेटी, मुझे जरा जॉगिंग करने जाना है। ओके, कैरी ऑन। ही स्टिल लुक्स यंग। I did not understand. Wow. सुनो अवंतिका, अगर मैं तुम्हें एक लेक्चरर की तरह बताऊं तो मेरी एनर्जी जीरो। हाई एनर्जी के लिए मुझे तुम्हारी नॉलेज की जरूरत होगी, और उसके ट्रांसफर के लिए मुझे अपनी एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करनी होगी। इसी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तुम्हें कुछ समझ में आया? हाँ, थोड़ा समझ में आया। अवंतिका, सपोज करो तुमने एक लड़के से प्यार किया और वो लड़का नहीं जानता कि तुम उससे प्यार करती हो। अब तुम एनर्जी ट्रांसफर से अपने प्यार के बारे में बताओगी, आंखों से, बातों से, इशारों से, छूने से प्यार को दर्शाओगी। इसी तरह एक कूल मटेरियल को गर्म करने के लिए पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, स्टीम, इन तरह की एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब समझ में आया? वाओ, सिंपली सुपर। ऐसे ही लव भी सिंपल सब्जेक्ट है। सिलेबस देखेंगे तो टफ लगेगा, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। समझ में आया? समझ गई। ये तुम्हारी लैंग्वेज में बताऊं? लड़की का प्यार शादी के लिए जैसे कि फ्लूइड फ्लो, इट मींस लड़का को लड़की पसंद नहीं, लड़की को एनालाइज करना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा तो नजदीक आई है प्यार के। व्हाट? पढ़ाई के। अरे बेटा, अरे किधर है बेटा का बेटा, कहाँ हो? आ गए दादा। ये पोती कौन है? बाबा बाबा, ये पोती नहीं है बेटा, तुम्हारी नानी है, समझे तुम? मनसलाई मनसलाई, बेटा का बेटा, पोता का बेटा, पोता का पोता, सब खुश रहे। आप नानी नानी कह रहे हैं, ये नानी कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? नानी, ये तुम्हारी नानी। नानी, मिलके खुशी हुई, खुशी हुई। आइए बैठिए, आइए बैठिए। नानी मुझे आशीर्वाद दीजिए, नाना आप भी दीजिए। ये बताइए नानी, आपके और नाना की लैंग्वेज डिफरेंस है, लेकिन आप दोनों की मिक्सिंग कैसे हुई? मिक्सिंग कैसे हुआ? तुम्हारा नाना माया कला सीखने के लिए केरला आया। आया क्या? वैसे ही तुम्हारे नाना का मन मेरा मन मिक्सिंग हो गया। तब मिक्सिंग हुई क्या? ऐसे हो गया। ये मेरी बदनसीबी है। अरे तुम्हारे पेट में चूहा दौड़े, तुम ज्यादा दिमाग खराब मत करो। बदनसीबी मत कहो, नसीब कह दो। अरे रे, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, अच्छा लगा मुझे मिलके। वाह वाह वाह, ये है बड़ा परिवार। कृष्णा कृष्णा, आपने मुझे मेरा परिवार दे दिया, परिवार दे दिया, परिवार दे दिया, ये है मेरा परिवार। I love my daddy, I love my dada. बहुत।
ए, सरा सामने वो छम्मक छल्लो को तो देखो, सुपर दिख रही है। ए, क्या देख रहा है बे? ए, चल बे। भैया वो धक्का कैसा लगा? धक्का दिया तो ऐसा लगा कि मैं जन्नत में हूँ सच में। ए हीरो, लड़की के सामने हीरो बन रहा है क्या? अभी क्या मुझे मारने आया? ए, बोलना, डाउट है क्या? ओके डैड बाय। कहाँ गए थे नानी? पेन लेने गया था। कम लेट्स गो, इसे पटाना मुश्किल है। सर आंसर पेपर है क्या? क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं दूंगा, चुपचाप लिखो। सर एडिशनल प्लीज। थैंक यू। ये लो सर एडिशनल प्लीज। ए तू क्या कर रहा है? ए ये लो, इसे देख। सर वन मोर। ये लो लो। एक्सक्यूज मी सर, वन मोर। क्या सर? लिखो लिखो सर एडिशनल। थैंक यू सर। ये सब रखो, लिखो सर। थ्री एन ऑफ सर एडिशनल प्लीज। वो लड़की मांग रही है, तो मैं इसे दे देता हूँ। थैंक यू जोसेफ सर। 62। थैंक यू सर। कविता सर तुम कहो 65। अवंतिका सर तुम्हें इस कॉलेज में जॉइन करते वक्त वीक समझा गया, लेकिन सभी सब्जेक्ट में तुम्हें 75% मिले हैं। कॉन्ग्रेट्स। जिस बात को हम समझ नहीं पाते उसे मिरेकल्स कहते हैं, वैसा ही मिरेकल आज हुआ है। हमारे नानी ने 90% मार्क्स हासिल किए हैं। थैंक यू। 75% जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ऑल द क्रेडिट्स गोज टू यू। भगवान मेरी पहली हक। एनीथिंग कैन पॉसिबल, ये तुमने प्रूव कर दिया। मैं बहुत प्रैक्टिकल जिंदगी जीती हूँ और तुम इमेजिनेशन में जी रहे हो, और यही हम दोनों में डिफरेंस है। मगर आज तुमने क्या किया तुम जानते हो? आज तुमने अपने सपनों को सच में बदल दिया। मेरी इमेजिनेशन से हटके तुम बहुत आगे निकल गए हो यार। अब तुम एक काम करो, जाकर जल्दी से अवंतिका को प्रपोज कर दो। डेफिनेटली वो तुम्हारे लव को मना नहीं करेगी। थैंक्स यार, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे उससे जाके आई लव यू कह देना चाहिए? मैं तुमसे कह रही हूँ यार, तुम जाकर एक बार उसका ओपिनियन तो लो। सच कह रही हो? तुम एक बार उससे बात तो करो, प्रोसीड। सुनिए, यहाँ एक मोटी होगी, वो कहाँ है? अरे ओ, तुम इधर हो, मुझे लगा कहीं और हो। हेलो बाइक चीज। पार्टी देने वाले बेबी अभी तक नहीं आई क्या? हम पागल है इसलिए जल्दी आ गए, वो आएंगे, बैठ जाओ। वो पार्टी देके सोच के रात को नहीं खाया। क्या बात है, पार्टी दे रही हो? सरप्राइज। हाँ, आई मस्ट रियली बी थैंकफुल टू नानी।
आज मुझे जो भी ये परसेंटेज मिला है उसके पीछे कारण सिर्फ नानी है। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, वेलकम मैडम। आज स्पेशल मैम, स्पेशल में हमारे यहाँ लगता है हमारे दोस्त ने इसे पटा ही लिया है। आज वो आएगा और इसे प्रपोज करेगा और इससे ज्यादा हमें क्या खुशी मिलेगी। ए, मुझे एक डाउट है, आज वो अवंतिका पार्टी दे रही है, क्या वो सही में प्रपोज कर देगा? ओके भैया, मुझे भी वैसा लग रहा है। क्या बात है, मेरे बारे में क्या बात हो रही है? जोर से बोलो, मैं भी सुनूंगी। अच्छा, पार्टी क्यों दे रही हो? नानी को आने दो, उसके बाद बताऊंगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। कैन यू हैव सम टॉपिंग्स? मुझे एक डाउट है, लगता है अवंतिका ही नानी को प्रपोज करेगी। हाँ, वेट 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 वेट, अवंतिका के बाहर जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी गेम खेलें क्या? कौन सा गेम? अभी बताता हूँ। ठीक है। हाँ, हमारी फाइनल ईयर भी खत्म हो गया, अपने नानी के लिए 2-3 शादी का रिश्ता आया हुआ है। हाँ रियली? तुम क्यों चौंक गई? अरे शॉकिंग कहा, लेकिन नानी से जो भी लड़की शादी करेगी रियल में वो लकी होगी, बहुत लकी। वाओ, ये चल रही, मैं बहुत अनलकी हूँ। किस लिए? मित्रा, लाइफ में एक बार ज्वेलरी एड में काम करना चाहती हूँ। मुझे इसमें काम करने का बहुत शौक है। मुझे इसमें एड में काम करने के लिए बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन पता नहीं मेरा उड़ भी करने देगा या नहीं। क्या कह रही हो, मैं समझी नहीं। ये बात मैं नानी के आने के बाद कहना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने जिद की है तो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरी उडबी से मेरी एंगेजमेंट है। अरे बेटा, नारियल पानी पिया क्या? ए बेटा, जरा इधर आ, मेरी भी सेवा कर दे, हमेशा इस बुड्ढे की सेवा करते रहता। बहुत अच्छा, खुश रहे मेरा बच्चा। बेटा मेरे पैर दबा, आराम से दबा। ए बेटा, जरा मेरे भी पैर दबा दे। हमेशा उसे काम करा, कुछ काम की नहीं है। तुम भी ना। अरे बेटा और दबा, क्या हुआ? गिर गया। ए बेटा, बेटा, ये क्या कर रहे हो? साइड हटो, बुड्ढे हो गए। अरे इसको क्या हो रहा है कब से? ऐ, खड़ा हो जा। अरे इसे क्या हो गया? अरे बेटा, अरे मेरे बेटे, खड़ा हो जा। उठ जा बेटा, उठ जा। क्या हुआ है, इसे क्यों गिर गए? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ए बेटा, यो लगता है सेवा कर कर थक गया है। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम कर लो। अरे ये तो सही वक्त पे आ गई, अब सच क्या है समझ में आएगा। सुनो बेटा, मित्र बिंदा आई है बेटा। कह दो कि वो बाहर गया है। ऐसा क्यों बेटा? माँ कहाँ ना? हाय आंटी। हाय। नानी क्या कर रहा है आंटी? नानी नहीं है, बाहर गया है मैच खेलने। ए नानी, ये क्या हो गया है तुमको? तुमने मितविंदा से मुझे झूठ क्यों बुलवाया? तुम इन सारे दोस्तों से क्यों नहीं मिलते हो? अरे नानी, आजकल आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ठीक से खाना भी नहीं खाते हो। माँ प्लीज छोड़ो ना। माँ वो बात नहीं बेटा। माँ प्लीज मुझसे बात मत करो, कहा ना मेरा मूड ठीक नहीं है। हेलो अंकल। मित्रविंदा, तुम्हें पता है नानी किधर गया है? वो बाहर गया है अंकल, आंटी ने बताया। एक बात कहना था मुझे, नानी के विषय में, अवंतिका के विषय में तुम क्या जानती हो? वो लड़की इसे पसंद नहीं की क्या?
नहीं अंकल, नानी को सिर्फ मैं एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और लव का कोई चांस नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? नेक्स्ट मंथ रिश्तेदार से उसकी एंगेजमेंट है, उसने यही कहा। अवंतिका के फादर से मैं एक बार बात करूं? शादी उसकी मर्जी से फिक्स हुई है अंकल। पहले वो पढ़ाई ना करके अपने फ्रेंड के साथ घूमकर मुझे बहुत दुखी किया था, लेकिन अभी वो सुधर कर वो बहुत दुखी महसूस कर रहा है। अवंतिका से मिलने के बाद वो अपनी जिंदगी में अपने अंदर बहुत सुधार लाया। अगर वो लड़की उसकी जिंदगी में आएगी तो अपने आप को बहुत खुशी महसूस करेगा, लेकिन तुम हमसे ज्यादा तुम उसे जानती हो। सुनो मित्रविंदा, उसको तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, एक बार तुम सोचना, जरूर जरूर सोचना। ये नानी हमेशा ऐसा क्यों करता है? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। मेरा भी फोन उठाकर उसने काट दिया। मैं दोबारा फोन किया तो कट कर दिया। मैं उसके घर गई लेकिन वो घर पर नहीं है, उसने यही कहलवाया। मुझे तो समझ नहीं आया। हम सब मिलके अवंतिका को एक बार कन्विंस करें तो? ये क्या है, उसकी पहले से ही कहीं पे एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, तो हम लोग कैसे उसे कन्विंस करेंगे? तुम्हारी बात सही है। हाय मित्रविंदा। नानी को तुमने फोन किया था? नहीं, मुझे बेंगलुरु में जॉब मिली है। ये क्या अचानक सरप्राइज? हमें अर्जेंटली एक बार मिलना चाहिए। ये क्या अचानक से तुम्हारी बेंगलोर में जॉब लग गई? हाँ यार, टुनाइट आई एम लीविंग टू बेंगलोर। सुनो, अरे उससे हमसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है यहाँ पर, इस वक्त तुम जा रही हो, कैसे हो सकता है? किशन, वो घर पे नहीं है। ऐसा कहने के लिए तुम्हें बोला है आंटी? आप भी झूठ बोल देना आंटी, देखता हूँ। अरे यार, तू अचानक आ गया। थैंक्स यार, कुछ नहीं, ऐसे ही। 3 दिन में 3 मिस कॉल, तुमने फोन रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? कम से कम मिस कॉल देख के फोन तो करता। माँ से भी झूठ कहलवाया क्या? दोस्ती सिर्फ बियर साथ में पीना और फालतू मस्ती मजाक करने के लिए नहीं, कभी प्रॉब्लम आए तो सॉल्व भी करेंगे, समझा? हमें भी बहुत दुख है, ये तुम जानते हो। मित्रविंदा बेंगलोर जा रही है। हा? उसे जॉब मिला है। क्या, मित्रविंदा बेंगलोर जा रही है? हाँ, आज ही। मित्रा, ओ मित्रविंदा। हाय नानी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज। वो क्या आंटी? तुम्हारी फ्रेंड को अच्छी जॉब मिल गई है, बेंगलोर जा रही है। वो ऊपर है ना, लगेज पैक कर रही है। क्या तुम अचानक से बेंगलोर क्यों जा रही हो? बोलो ना। तुम क्या एक बार मुझसे बात भी नहीं करोगी? तुम मुझसे करते हो, 3 दिन से कोई जवाब नहीं। मैं तुमसे मिलने घर आई तो तुमने आंटी से कहलवाया कि तुम घर पर नहीं हो, और फोन करो तो उठाते नहीं हो, क्यों? मेरा मूड ठीक नहीं है। तो फोन उठाकर ये बताना चाहिए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, और अब मेरा जाना बहुत जरूरी है।
इस हाल में तो मुझे छोड़ के जाओगी? करियर के आगे लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा प्यार सच्चा है और वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा, लेकिन अवंतिका को तुम्हें प्यार करना चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो, पर करियर भी बहुत जरूरी होता है। तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हें कोई जॉब जरूर मिल जाएगा। प्लीज तुम सब भूल जाओ, मैं तुम्हें रेगुलर फोन करती रहूंगी, उठा लेना ठीक है? सुनो, मुझे ड्रॉप करके आओगे? अरे सुनो बेटा। जी हां, मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ रहा हूं। ये देखो जी। तुम्हारी नानी रो रही है। क्यों नाना? हाँ, केरला में एक आयुर्वेदिक तेल है, उस तेल से सिर में मसाज करके स्नान करने के बाद ही नाश्ता करेगी, समझे तुम? अगर तुम तेल लेकर जल्दी नहीं आते हो तो ये नाश्ता नहीं करेगी। बहुत जल्दी लाना चाहिए। हाँ, मुझे नाश्ते में वही तेल चाहिए, अगर वो ना मिले तो मुझे कुछ भी ना चाहिए। अरे ओ नाना, अगर मैं फ्लाइट से भी जल्दी जाऊँ तो भी नहीं ला सकता हूँ। इस बार आप एडजस्ट कर लिए, कल मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो तुम हमें यहाँ क्यों लाए बताओ? ए सुनिए, मुझे ये नाश्ता नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी नाश्ता नहीं चाहिए। अरे अरे अरे, आप दोनों नाराज मत होइए, मैं जल्दी जाकर नाश्ता लाता हूँ। जा जा, हाँ जल्दी जा। ओके। अरे तुम वो सब का टेंशन मत लो, वही तो मैं कह रही हूँ। अरे बेटा इधर आओ, इधर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं आपके लिए भी नाश्ता। अरे बेटा तुम यहाँ बैठो। अरे नाश्ता बाद में करेंगे। क्या चाहिए? अरे बेटा, मैं गांव में आयुर्वेदिक तेल के मालिश के बाद ही नाश्ता करता हूँ, तो उसमें ऐसा है कि जब तक मैं मालिश नहीं करूँ तब तक मैं नाश्ता नहीं करता। तो बेटे तू मेरा मस्त मालिश कर दे, और जो मैं मालिश की बातें कर रहा हूँ वो मुझे हमेशा सुबह ही चाहिए। तू जल्दी से तेल लेके आ। सुबह चाहिए? हाँ बेटा सुबह चाहिए, दोपहर में धूप हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात सुन, इसीलिए मैं कह रही हूँ जल्दी जा और जल्दी आ। अभी अरे अरे अरे, अभी मैं केरला जाता हूँ, परसों लाऊंगा, समझ गए? मुझे वही चाहिए। ये जो कह रही हुई तू लेके आ। अरे मेरे बेटे, तू ये तेरी दादी के लिए इतना तो कर। बेटा एक काम कर, तू तू साइड में पहले केरला जा, वहाँ से तू तेल लेके आ, फिर तेल को हमारे सर पे डाल और हमारी मालिश कर। जब तक ये तेल नहीं आता तब तक हम मालिश नहीं करेंगे, और मालिश नहीं करेंगे मतलब हम खाना भी नहीं खाएंगे। मतलब तुझे तेल लाना ही होगा, वो भी सुबह चाहिए। सब कुछ मुझे सुबह ही चाहिए, जाके तू लेके आ मेरे अच्छे बेटे। कोयल कुटला तिरिसिल्ला केरला। सुनो बेटा, अच्छा खाना खा के 3 दिन हो गए, बढ़िया खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम सूरज के होटल जाके मछली में नमक डाल के फ्राई करके लाना। मछली में नमक डाल के लाल लाल फ्राई करके लाता हूँ। ओके ओके। आप कौन? मित्र वंदा। ओह, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। प्लीज अंदर आइए। श्वेता, मेक एन अपॉइंटमेंट ऑर्डर इन द नेम ऑफ मित्र विंदा। ओके। हेलो। हाय नानी। मैडी, जॉब ज्वाइन कर ली तुमने? जस्ट नाउ, जॉब पर लगकर तुम्हें ही पहला कॉल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स नानी। बाय बाय। मित्र विंदा। यस। देयर इज सम प्रॉब्लम। व्हाट हैपेंड? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। It's okay. Hi, I'm looking for you. Come, let's have some coffee and talk. Let's go. Now Miss Mitravinda will explain future projects and education. Please carry on, Mitravinda.
हेलो, आई एम लॉन्ग। हाय मित्रविंदा। हाय। तुम यहाँ कैसे? दिस इज माई रेजिडेंस। ओह ओके, ऑफिस जाएगी? ऑफ कोर्स। चलो साथ चलेंगे। मैंने कैब बुक कर दी है। कैंसिल कर दो। हाय, सॉरी फॉर द लेट। इट्स ओके। चलें? या। Hi. Yes, sir. This is actually your sink. Hey. What happened? Sorry. Are you okay? सुंदर लड़कियों को देखा और दिमाग वाली लड़कियों को भी देखा, लेकिन वो दोनों लड़की तुम ही हो। मित्रा, या ये वीक एंड में तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कुछ नहीं, क्यों? सांता क्रूज रिजॉर्ट में ये वीकेंड के कमाल का प्रोग्राम है, चलें क्या? सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके, चलते हैं। थैंक यू। Akhil is very decent guy. Two honey almonds. Arre, same taste. मित्रा, क्या हुआ? मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कहिए। मित्रा, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? या। तुम्हारा बिहेवियर मुझे पसंद है। It's a suspense. Mitra, please, तुम्हें क्या पसंद है? Why not? I love my job, studies and career. तुम देख रहे हो ना? Thank you God. Yes. दुनिया में माया और जिंदगी में माया, एक पैक ले लो सारा दुख हर जा। अरे बेटा, हाँ सोडा इसमें ज्यादा हो गया।
मैं थोड़ी शराब डालूं? सोडा इसमें थोड़ा कम ही लग रहा है। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है हमारा जो ये बेटा है ना, हमारी बहुत ही सेवा करता है। मैं तो हमेशा इससे खुश रहता हूँ, और इसकी दादी देखो हमेशा यहाँ आकर पीती रहती है। तुम क्या कम हो, तोते ने ला कर दिया, तुमने तो जरा सा भी नहीं रखा, पूरा का पूरा खा गए। अरे उसमें ऐसा है कि मैं ना अपनी बीवी के साथ दारू पीना नहीं चाहता, और बीवी पीती है ना तो पागल हो जाती है, इसलिए मैं उसके साथ दारू नहीं पीता, और तुम तो हमेशा खाने की सोचती रहती हो। फिर जो बचेगा खा लेना तुम। अखिल, अखिल आप मेरे घर में कैसे? प्लीज सिट, टी कॉफी। व्हाट अ सडन सरप्राइज। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे भी आपसे किसी बारे में इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बताओ मित्रा। नहीं पहले आप बताइए। तुम्हारा बिहेवियर मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम्हें मन ही मन चाहता हूँ, तुम मेरे दिल और सपनों में बस गई हो, तुम्हारे जैसी कोई नहीं है। आई लव यू मित्रा। तुम मुझे कब तक बताओगी मित्रा? लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इट्स ओके मित्रा, जितना टाइम लेना चाहो ले लो, बट ना मत कहना। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैं सोच कुछ और रही हूँ और हो कुछ और रहा है। हेलो। हाय। काम कैसा चल रहा है? फाइन। खुश तो है ना? नानी एक प्रॉब्लम है, कैन यू सॉल्व इट? मिनी क्या प्रॉब्लम है तुझे, और उसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? हाँ यार, मेरे कलीग बॉस ने मुझे उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। तुम हंस क्यों रहे हो? कौन है वो? वो तो गया। तुमने अच्छे से क्लास ली होगी उसकी? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने उस लड़के को कुछ नहीं कहा, और मैं इस बात पे यकीन कर लूं? सच में उनके प्रपोज करने के बाद मुझे तुम्हारी याद आई। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कैसा है वो? ओके। और कैरेक्टर? वेरी नाइस पर्सन। तुम नाइस कह रही हो तो इसका मतलब तुम उसे पसंद करती हो। जवाब क्या दिया तुमने? मैंने कहा कि सोचकर बताऊंगी। सोचने की कोई जरूरत नहीं, अगर पसंद आ जाए तो टाइम नहीं लेना चाहिए। पसंद ना हो तो जितना मर्जी टाइम ले लो, वेस्ट है। मेरी बात मानो, प्रोसीड करो। तुम्हारी बात मानूं? मान लो। ओके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक्स यार, बाय। हाय। हे, सडन सरप्राइज। अरे तुम मेरे घर में? कम कम। अखिल ये क्या हुआ? कुछ नहीं। अखिल बताओ क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ। टी या कॉफी चाहिए? ए छोटू, कॉफी तुम बनाओगे तभी मैं पीऊंगी। अखिल बताओ ना क्या हुआ है? कल वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर गया था, वहां सीढ़ियों से मैं टकराकर गिर गया और घुटने में चोट लग गई। वो बात करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें अपनी माँ को दिखाना चाहती हूँ, तुम मिलोगे? ए? क्यों? मैं इसे पसंद करती हूँ ये कहने के लिए। वाओ, थैंक यू मित्रा, थैंक यू। आ, 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 आ,
मैं बहुत लकी हूँ मित्रा, बहुत लकी हूँ मैं। मामा जी, आप मुझे समझेंगे सोचेंगे, मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। मेरे पिता मामा सब आप ही हो, लेकिन मेरे मन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अवंतिका की सोच और मेरी सोच कभी न मिलेगी। मुझे अवंतिका से सच में प्यार नहीं है। अगर मैं अवंतिका से शादी कर लूँ, लाइफ लॉन्ग मुझे तकलीफ होगी, मैं जिंदगी भर खुश नहीं रहूँगा। आपने जब मुझसे कहा तो मैं मना ना कर सका, तुरंत हाँ कर दिया। सिर्फ एक बार आप सोचिए, मैं मेरी कंपनी में एक लड़की से मिला और उसे पसंद कर लिया। उसकी सोच और मेरी सोच एक है, हम दोनों की माइंड सेंस भी एक है। प्लीज मामा, मुझे समझिए। अभी तक एंगेजमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत करके मैं ये चिट्ठी आपको लिख रहा हूँ। मैं आपका निखिल। पिताजी, ये चिट्ठी कहाँ से आई? आजकल चिट्ठी भेजते हैं, फोन होने के बाद भी। बताता हूँ बेटी, अपनी फीलिंग्स को फोन पर नहीं बता सकता था, इसलिए उसने ये चिट्ठी में अपनी फीलिंग्स को लिखकर भेजा है। ये मेरे भांजे की चिट्ठी है बेटी, लोग हालचाल का अपडेट भेजते हैं, उसने अपनी फीलिंग्स का अपडेट भेजा है। वो मेरा भांजा है, इसलिए शादी से पहले ही सब बता दिया। पर ये सब जानने के बाद तुम इसका क्या मतलब निकालोगी बेटी? मैं ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एंगेजमेंट से पहले ही शादी के लिए उसने मना कर दिया है। अगर शादी वाले दिन वो मुझे ये सब कहता तो मैं क्या कर लेता? थैंक गॉड, तूफान आने से पहले बचा लिया। तुमसे ना शादी करने की माफी मांग रहा है। उसने तो बहुत आसानी से इस शादी के लिए मना कर दिया है बेटी। आप दुखी हो रहे हैं डैडी? नहीं बेटी, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा था, मेरी सोच उसकी सोच कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने ही जबरदस्ती मना लिया। लेकिन अब क्या हुआ? सबको बता के मैं ही बेवकूफ बनी। छे, क्या हुआ? अर्जेंटली बुलाया हमें? सिंपली उसने मेरे डैडी को मना किया। किसने? वही जिसे मैं पसंद नहीं हूँ। अरे तुम ये सब क्या बात कर रही हो? एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए कहा डैडी ने। उसे अपने ऑफिस के कलीग से लव हो गया। यस यस यस, एक बार फोन करता हूं। तुम्हें किसने बताया? अगर वो मुझसे कहा होता तो मैं उसे क्लास ले लेती। तुम मुझे पसंद नहीं, डैडी के जबरदस्ती करने से मैं मान गई थी, ये बात मैं उसे डायरेक्ट कहती। जाने दो, वो मुझे पसंद नहीं था। उसने डैडी को चिट्ठी लिखा था। क्या? तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ यार। जाने दो यार, जब वो लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती तो मुझे क्या पड़ी। ओके बाय। डैडी क्या कहेंगे बेचारे? मैंने डैडी से कहा था मुझे उससे शादी नहीं करनी,
उससे बेस्ट लड़का इस कॉलेज में, यहाँ का सबसे बेस्ट लड़का, अब देखना मैं खुद सिलेक्ट करूंगी। मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। अवंतिका, हाँ। मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारा अनिल तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम्हें पसंद करने वाला को तुम धोखा मत देना। मुझे पसंद करने वाला आखिर वो कौन है? नानी। वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बेस्ट लवर भी है। तुम्हें पता है क्या, जिस दिन तुमने एंगेजमेंट की पार्टी दी ना, वो तुम्हें उसी दिन प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुम्हारी वो बात सुनकर वो पीछे हट गया। लेकिन मुझसे वो इस तरह का बिहेव कभी नहीं किया। यही तो उसकी ग्रेटनेस है, लेकिन तुमसे ये बात वो कभी नहीं कहेगा। हाँ यार, तुम्हें पता है क्या, स्टडीज में वो बहुत पुअर है, आई नो, लेकिन डे नाइट पढ़ाई करके उसने तुम्हारे लिए इतने अच्छे परसेंटेज हासिल किए और क्लास का टॉपर बन गया। हाँ यार, ये सच है। नानी के बारे में तुम एक बार सोचो। He's best for you. समझो मेरी बात। हेलो नानी। हाय अवंतिका। हेलो कुछ नहीं, कल ना मेरा बर्थडे है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पार्टी कहाँ दे रही हो? क्या तुम कल मेरे घर पे आ सकते हो? तुम बुलाओगी तो क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। क्यों नहीं बताया? हाँ? हाँ? नहीं बताओगे? तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार है, अब तो तुम बता दो। बताओ कब बताओगे? हेलो नानी। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? क्यों यार, लव सक्सेस हुआ ना? वाओ, तुम्हारी गेसिंग को मान लिया यार। फाइनली, यू आर हैप्पी ना? मैं तो खुश हूँ यार, लेकिन इस चीज को शेयर करने के लिए तुम मेरे पास नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे हार्ट के अंदर ही तो रहती हूँ ना। सॉरी, वो तो तुम्हारी अवंतिका की जगह है ना। हाँ मानता हूँ, अवंतिका मेरे दिल में है,
लेकिन मेरा दिल तो तुम ही हो। थैंक्स यार। हे मित्रा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। तू यहाँ आएगी या मैं वहाँ आऊँ? वेरी सून मैं हैदराबाद में आ रही हूँ। एनी हाउ ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू, टेक केयर। अरे बेटा, वो जो वेंकर रेडी है ना, उस पे मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। एक काम करो, तुम उसके पैर कटवा दो और उसे मार दो। अरे अरे अरे, वेंकर रेडी जी, वो बहुत पावरफुल है, वो सेटिंग एमएलए है, मैं उसे कैसे गिरवाऊं? वो ही मुझे काट कर कीमा मना करता असल कर देगा, मैं नहीं जाऊंगा। तू हमारे वंश की नाक खराब कर देना, तू उसे जमकर हरा कर आना। हमारे घर की इज्जत अब तुझे ही बचानी है बेटा। ये मुझसे नहीं होगा। तू हमारे वंश के कभी काम आएगा? पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है, कभी वो नेता है, कभी तू नेता है। अरे यार, मैं तेरा क्या करूँ, तू मुझे बता। ए घबरा मत, ए तू जाकर उस एमएलए को मार, ये मेरा ऑर्डर है, जा। हाँ। आई एम सॉरी मामा। सॉरी? सॉरी बोलने जैसी क्या गलती की है तुमने? इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे जमाने में प्यार करना गुनाह था, लेकिन इस जमाने में प्यार ना करे तो गुनाह है। हमारे सामने बड़े हुए और तुम लोगों की शादी करा दें, ऐसा हमने सोचा था, लेकिन तुम लोग साथ रहो ये कोई रूल है क्या? यही सोच रहे हो ना? तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तब भी तुम मेरे भांजे ही रहोगे। हर बार तुम घर में रुकते हो, इस बार तुम होटल में क्यों रुके? जवाब दो। हाँ, जाकर बात करो। क्यों तुम नाराज हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे मना किया। वो मेरे से बहुत ज्यादा सुंदर है क्या? मैं लड़की को पसंद किया उसकी सुंदरता से नहीं, हम दोनों की सोच एक ही है, इसलिए मैं उससे प्यार किया। ये है मित्रविंदा। ओके, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, बाय। हे अखिल, हेलो। हाँ मित्रा, एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, तुम अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाओ। इट्स ओके अखिल, बाय। हे हे हे, कांग्रेचुलेशंस। मेरा प्यार सक्सेस। मैंने कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। सच यार, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। बहुत दिन हो गए तुझे इतना खुश देखे। तुम अपने वुडबी से मुझे कब मिलवाने वाली हो? जल्दबाजी कैसी है, थोड़ा इंतजार करो। टू फ्रेंड्स बिकेम लवर्स। तुम दोनों नाटक करके मुझे चीट कर रहे हो। चीट फॉर दैट। ओके। शिट। हाय, सॉरी देर से आने पर नाराज हो क्या? शाम को कॉफी पीने चलोगी क्या? नॉट ओनली इन द इवनिंग, डोंट ट्राई टू कम इनटू माय लाइफ। मजाक कर रही हो क्या? एक्सक्यूज मी, आई डोंट जोक विद सच काइंड ऑफ टीचर्स लाइक यू। हे अवंतिका, ये तुम? यस, माय लव ब्रेकअप, गेट लॉस्ट।
क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मित्रविंदा, वो एक चीटर है, जाके उससे पूछो। ए, अवंतिका। गेट लॉस्ट। कम नानी, अवंतिका अपनी लाइफ में कभी ना भूले इतना ब्यूटीफुल कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है। शाम को ट्रीट में तुम उसे ये सरप्राइज दे दो। मेरी माँ, तुम्हारी वजह से अवंतिका मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या हुआ? क्या क्या हुआ है ये पूछ के अनजान मन रही हो तुम? बकरे का गला काट के ये पूछती हो कि दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने क्या किया है? बातें मत बनाओ तुम, सब तुम्हारा किया धरा है। मुझसे ब्रेकअप कर लिया उसने और मुझे चीटर कहा उसने। और क्यों कहा ये तुमसे पूछने के लिए बोला है। ओ, तुमने ही कुछ किया है तभी तो तुम सिर झुका रही हो। तुम सेल्फिश हो। मेरे लव फेलियर के बाद जब मैं डिप्रेशन में था तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, सुना? और तो और मुझे यहां कोई जॉब भी नहीं मिली। ओहो, तुम तो हाईली इंटेलिजेंट हो ना, और मैं तो सिर्फ एवरेज हूँ, इसीलिए तुम मुझे अंडर एवरेज समझती हो। उसे पटाने के लिए भले ही मैंने कंबाइंड स्टडी का नाटक रचा हो, पर मेरा प्यार सच्चा था, सच्चा प्यार, और ये बात तुमने उसे बता दी। मैं उसे क्यों बताऊंगी? तुमने ना बताया होता तो वो क्यों तुम्हारा नाम लेती और वो क्यों मुझे चीटर कहती? तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हो और ईगोइस्ट भी हो। तुम अपनी शक्ल अब मुझे मत दिखाना, मेरे प्यार के साथ साथ हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो। यू डोंट डिजर्व माई फ्रेंडशिप। मेरा ब्रेकअप हो गया यार, किस पे भरोसा करूं किस पे ना करूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। मित्रा को मैंने अपना दोस्त समझा था पर नहीं, शी इज वेरी इगोइस्टिक एंड शी इज अ चीटर। अवंतिका से उसने पता नहीं क्या कहा कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। यू नो व्हाट, शी इज सच ए उसके बारे में बात करने की औकात नहीं तुझे। उसके बारे में और कुछ बुलाता तो मैं मार दूंगा। ए, तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए। सच में क्या हुआ तुम जानते हो? देखो, ये मेरी आंटी का लड़का अखिल है, ये बैंगलोर में इन्फोसिस में एचआर है। क्या ये तुम्हारा लवर है? नहीं, मेरे डैडी ने ही अखिल को पालकर बड़ा किया। मेरे डैडी अखिल को बहुत पसंद करते हैं और मैं डैडी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उनकी बातों को टाल नहीं पाई और मैं बात मान ली। मैं जा रही हूँ बैंगलोर उसके लिए। उसके लिए तुम क्यों बैंगलोर जा रही हो, समझ में नहीं आ रहा है। अवंतिका का अकील जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में है वहाँ मुझे जॉब मिली है। मैं वहाँ जाकर उनके साथ कुछ दिन ट्रैवल करूंगी और नानी के लिए उन्हें कन्विंस करूंगी। तुम्हारी बात सही है, अवंतिका के अकील को हम लोग कन्विंस करेंगे, ये मुझे भरोसा है। ऐसा करना गलत है, तुम जरा सोचो। ये तो एक अरेंज मैरिज है और उनके बीच में प्यार भी नहीं है। मैं वहाँ जाकर किसी भी तरह उसे कन्विंस करूंगी। तुम सब मेरा भरोसा करो और ये बात नानी को मत बताना। उसकी सच्ची फ्रेंड तुम ही हो और फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, उसका करेक्ट एग्जांपल हो तुम। गुड। नानी मेरी जान है और तुम सब मेरी जान का ख्याल रखना। तू अब बता, मित्रविंदा सेल्फिश है क्या? ए, क्या वो इगोइस्टिक है क्या?
इतरविंदा चीटर है क्या? सुनो, वो तुम्हारे लिए क्यों हेल्प करेगी? हाँ, वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड है, समझे? वो बेंगलोर जाने वक्त भी तुम्हारे ख्याल करने के लिए कही है। ए, वो तुझे अपनी जान समझती यार। ए, मुझे तुम्हारा तो सच में पता नहीं, लेकिन वो लड़की तुमसे हद से ज्यादा प्यार करती है, समझो मेरे दोस्त। मित्रा, मित्रा। नानी, एक बात बता, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप कहा, झगड़ा से अलग होने के लिए फ्रेंडशिप? वो बात नहीं है आंटी। वो अभी बाहर गई है। मैंने बहुत गलत किया है आंटी, सॉरी। मित्रविंदा, मित्रविंदा, वेरी सॉरी। तुम बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? मैंने क्या बहुत गलत नानी? किया नानी, मैंने बहुत गलत किया। तुम जैसी अच्छी फ्रेंड को ऐसी चुभने वाली बातें कही, आई एम सॉरी। वो सब बातें तुमने दिल से नहीं कही थी, भूल जाओ। मैंने अपने प्यार के लिए तुम्हें दूर कर दिया, मुझे ऐसे प्यार की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप की जरूरत है, प्यार नहीं, तुम्हारी फ्रेंडशिप। हाय अखिल, टुमारो मॉर्निंग आई एम कमिंग टू बैंगलोर, आई विल मीट यू इन द ऑफिस। सिर्फ कल नहीं, कभी मेरे ऑफिस में कदम रखने की कोशिश मत करना। लाइफ में तुम अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। क्या हुआ? मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा लव ब्रेकअप, हमारा लव ब्रेकअप। क्या हुआ मित्रा? उसने लव ब्रेकअप कर लिया। हाँ? कोई बात नहीं, मेरी प्यार में हेल्प करने के चक्कर में लगता है इसका प्यार खतरे में पड़ा, क्या हुआ जानना पड़ेगा। माँ, 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 अबे कौन है तू? मैं हूँ दादा, मैं हूँ। अरे तो ऐसी हालत बना के क्या घूम रहा है तू? दादा आपने जैसा कहा था, मैंने वैसे ही खेत में जाके वो सीमा का पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो रेड्डी आया और मैंने उससे सीमा का पत्थर हटाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने उससे क्यों कहा, उसने हूँ हूँ कहा और धोती ऊपर करके पटक पटक के मारने लगा, और मैंने जब उसको मना किया तो उसने पंच पे पंच पंच पे पंच पंच पे मारता गया मेरे पे। तू किसी काम का नहीं है। उस वंका रेड्डी जैसे तू छोटे आदमी से तू मार खा गया, किसी काम का नहीं है तू। अब मैं तेरा क्या करूँ बता? अरे दाना, अरे नाना देखो। अरे सुनो बेटा, तुम क्या करेगा हम लोग नहीं जानते। सात तरह का घोड़ा लाएगा तो हम सात लोग उस पर बैठकर लंबी यात्रा जाना चाहते हैं। तुम्हारा क्या राय है बेटा, जरा तुम बताओ, ठीक है? हाँ पोता, आजकल चांद पे जाने का बड़ा फैशन है, तो हम लोग क्यों ना जाएं? इसीलिए हम कहते हैं कि सबका टिकट बुक करो, हम लोग सब चलेंगे, हम लोग सब चलेंगे चांद पे, तो जाके सात टिकट बुक करा लो। चांद पे जाना है? हाँ बिल्कुल सही कहा। सुनो ना बेटा, लेकिन मैं चांद पे जाने के लिए इतने पुराने जेवर पहन के कैसे जाऊंगी बेटा? नए नए जेवर बना के एकदम देवी बनकर जाऊंगी। सही बोली।
अरे चांद पे जाने के लिए टिकट चाहिए? अरे भगवान। सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बारी एमएलए टिकट मुझे ही चाहिए। ये सही कह रही है। सही कहा। एमएलए टिकट? वो क्या इनोक्टेटर टिकट काउंटर पर से निकालनी होगी? सुनो 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 मेरे प्यारे बेटे, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। तुम बाहुबली 3 बनाना और उसमें मुझे शिवगामी का कैरेक्टर देना। हाँ बेटा, तुम राजमौली से बात करके मुझे भी कैरेक्टर दिलवा दो। अरे अरे, ओ मुकंदा, नारायण, गोविंदा, नरहरी, आप कहाँ हो? भगवान मुझे माफ कर दो, ये डब्बा परिवार मुझे नहीं चाहिए। भगवान, तुमने पहले ही कहा था इस इष्ट के विरोध की मांग है, लेकिन मैंने नहीं मानी। बड़ी गलती हो गई, मुझे ये परिवार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं अकेला ठीक हूँ। नारायण, आप कहाँ हो? मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तुम इन 6 लोगों को संभाल नहीं पाए, लेकिन मैं तो धरती के 16,000 करोड़ लोगों को संभालता हूँ, समझे? इट्स ओके बिटवीन यू एंड योर फैमिली। हाँ, वो फिल्म में कहा था ना, लाइक वाटर एंड फिश, नाउ आई विल गो एंड टूट सिल एंड यू विल गो एंड पिस सिल एंड रिलैक्स ऑन ओके लताज। वो मरे हुए लोग मर गए क्या? मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। I feel like happy. मृत्युबिंदा बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे कोई संबंध नहीं रखता हूँ। यहाँ तुम ये खबर सुनाने आए हो मुझे? मेरी बात मानो और निकल जाओ तुम यहाँ से। नहीं, तुम ही हो। आई एम वेरी वेरी सॉरी ब्रो, मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है। और तुमने क्या क्या कहा अवंतिका से? अखिल मेरी बात सुनो। Hey, जा जाके हमारे कॉलेज में पूछ कि नानी और मित्रा कैसे दोस्त हैं, बताएंगे तुझे। तुम नानी हो क्या? आई एम वेरी वेरी सॉरी ब्रो। बोलो अवंतिका। अखिल, कल हम दोनों शादी करेंगे। hey! टुमारो 10:30 सुसाइड पॉइंट पर मैं तुम्हारा वेट करूंगी। बी कूल। अगर तुम वहाँ नहीं आए 10:35 सुसाइड पॉइंट मिलेगी, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। अवंतिका तुम मेरी बात मानो। मैं नहीं मानूंगी, बस तुम आ रहे हो। गेम फ्लॉप होने से नया गेम खेलने आए हो? अब तुम दोनों का कोई गेम नहीं चलने वाला यहाँ। अब किसी भी तरह का प्लान नहीं चलेगा। आई एम गोइंग टू मैरी माय अखिल। शॉक लग गया ना? अब समझ में आया? यू आर चीटर्स। मित्रविंदा, तुम्हारे विलियंस ही ना अच्छे काम के लिए यूज करो, अच्छा होगा।
चीटिंग करने के लिए नहीं। नो। अच्छा? नानी मैं बात करती हूँ। अवंतिका वो मैं हूँ जिसने गलती की है। तुम्हारे आने से पहले जिंदगी क्या है ये नहीं जानता था, इसलिए तुम इसकी जिंदगी में आ जाओगी, इसकी जिंदगी सवर जाएगी, यही सोचकर कन्विंस करने के लिए मैंने जॉब ज्वाइन की थी। तुम कन्विंस करने गई थी या लव करने गई थी? कन्विंस करने नहीं, हम दोनों ने लव एक्सेप्ट किया, इसलिए हम दोनों यहाँ पे तुम्हें सॉरी कहने के लिए आए। एक बात बताता हूँ वंदिका, कोई नहीं जानता कि आपको किससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि जानकर प्यार नहीं होता, ये सिर्फ महसूस होता है। पर मेरा प्यार सच्चा था, सच्चा प्यार। मैं नहीं जानता कि तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया है कि नहीं, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूं, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चा प्यार किया है। हैप्पी मैरिड लाइफ। चलो चले। देखा अवंतिका, दैट इज नानी। कोई भी लड़की उसे प्यार करना चाहेगी जैसे नानी करता है, लेकिन नानी वो अपने प्यार के साथ खुशी से रहना चाहता है। प्यार अपने आप हो जाता है, उसका उदाहरण ये है नानी। उसने क्या किया ये देखो। नानी सिर्फ तुम्हें नहीं, वो सभी से प्यार करता है। लेकिन मैंने क्या किया जानती हो? जो फोटो तुमने मुझे भेजी उसे देखकर मैंने इसे मित्रविंदा को खुद से दूर किया। तुम ये बात जानती हो? मित्रविंदा को सिर्फ मैंने ही प्रपोज किया। अब बताओ तुम सही हो या ये सही? क्यों? नानी को तुमने मारा था? अनजाने में मारा ना? वो मैं नहीं जानती। नानी यस कहेगा तो उसके बाद ही मैं सोचूंगी। हे नानी सुनो यार, तुम अपना रोमांस बंद करो, मेरे रोमांस को तो बोलो। उसी तरह जैसे दो प्रेमियों के बीच में तकलीफ होती है, इसीलिए टू फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, टू लवर्स होना जरूरी है।